प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। हर साल लाखों श्रद्धालु पितृपक्ष के दौरान यहां आकर पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष का समय एक खास महत्व रखता है। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, इस समय परिवार के लोग मिलकर पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि अगर घर में कोई कलेश है, समय पर शादी नहीं हो पा रही या कोई और समस्या आ रही है, तो ये पूर्वजों के नाराज होने का संकेत हो सकता है। ऐसे में पिंडदान करना जरूरी माना जाता है। पर सवाल है, प्रयागराज में आखिर क्या खास होता है? इसी कड़ी में लोकलिटी ने आचार्य अंबुज द्विवेदी से बात की। उन्होंने बताया कि प्रयागराज वो जगह है जहां अमृत गिरा था, जिससे यहां की पवित्रता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। प्रयागराज में पिंडदान का महत्व शास्त्रों और पुराणों में भी दिया गया है। यहाँ पर किए गए पिंडदान को विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। आचार्य द्विवेदी ने कहा, यहाँ का पवित्र जल श्रद्धालुओं को शांति और संतोष देता है। पिंडदान के संदर्भ में भारत में तीन प्रमुख स्थान माने जाते हैं, प्रयागराज, वाराणसी और गया। पितृपक्ष में आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले प्रयागराज पहुंचते हैं, जहां वो केश यानी कि अपने बाल का दान करते हैं। इसके बाद गंगा में स्नान करते हैं। इसके बाद 16 पिंड तैयार किए जाते हैं, जिन्हें विधि पूर्वक आचार्य के माध्यम से पूर्वजों के नाम से पूजा जाता है। ये प्रक्रिया पूर्वजों की आत्मा को शांति देने का एक उपाय है। श्राद्ध का स्थान बताया गया है काशी, प्रयाग और गया। ऐसी कहावत है कि प्रयाग पुण्य, गया पुण्य। प्रयागराज जो यहाँ पर श्राद्ध पिंडदान की तैयारी लोग करते हैं, वो समुद्र मंथन के समय पर यहाँ पर अमृत का होने के लिए, जिस कारण यहाँ पर पुण्य लगता है, जिस कारण संगम होने के कारण यहाँ लोग पिंडदान करते हैं। और काशी में लोग पिंडदान को इसलिए करते हैं ताकि वहाँ पर मोक्ष की नगरी मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर संगम गंगा जी के तट पर जाते हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी को पिंडदान करते हैं, क्योंकि वहाँ पर विशाख मोचन के पास पूजे जाते हैं, विशाख मोचन में पिंडदान करते हैं। और गया में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वहाँ पर जाकर के पिंडदान किया था। शास्त्रों के लिए भी गया के लिए क्षेत्र में कई तरीके का वर्णन मिलता है, क्योंकि तीन ही जगह पूरे भारत में ऐसा करने के लिए बताया गया है। पिंड तैयार करने के बाद श्रद्धालु उन्हें संगम में विसर्जित करते हैं। इसके बाद श्रद्धालु वाराणसी और गया जाकर पिंडदान की अन्य रस्में पूरी करते हैं। प्रयागराज का स्थान इसलिए भी पवित्र माना जाता है क्योंकि मान्यता है कि यहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी। यही वजह है कि श्रद्धालु इसे पिंडदान के लिए सबसे उत्तम स्थान मानते हैं। पितृपक्ष में प्रयागराज में पिंडदान करना पूर्वजों को सम्मान देने का एक खास मौका है। ये परिवार के भीतर की बुराइयों को भी दूर करने का एक प्रयास है। इसलिए यदि आप भी अपने पूर्वजों को याद करना चाहते हैं और अपने जीवन में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं, तो पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए पिंडदान जरूर करें।